तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय ट्यूशन। आई होप इट सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर YMCA फरीदाबाद और डी क्रेस्ट मतलब सोनीपत के कॉलेज के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो जो भी बच्चे हरियाणा से बीटेक करना चाहते हैं लीड के थ्रू, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिफरेंस बताऊंगा YMCA में और डी क्रेस्ट मुरथल में। इस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, हॉस्टल क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, किस कॉलेज के अंदर अच्छा पढ़ाई होता है, लैब फैसिलिटी किस कॉलेज का अच्छा है, ग्राउंड किसका अच्छा है, तो A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर आप हरियाणा से बीटेक करना चाहते हो तो स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। अगर कोई क्वेरी हो आपके एडमिशन रिगार्डिंग, कॉलेज रिगार्डिंग, फी रिगार्डिंग, तो नीचे आप कमेंट करना। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझे आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। कोई क्वेरी हो आप कहीं भी पूछ सकते हो, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन विद इन मिन टाइम में दिया जाएगा। थोड़ा सा स्टार्ट है वीडियो दोस्तों। हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले YMCA का, YMCA कॉलेज के अंदर किन किन सा YMCA कॉलेज के अंदर किन किस किस कोर्स में एडमिशन पहले होता है। दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, लगभग लगभग सारे ब्रांच से YMCA बीटेक करवाती है, और डी क्रेस्ट मुरथल भी सारे ब्रांच से, अप्रॉक सारे ब्रांच से आपको बीटेक करवा देती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग YMCA और डी क्रेस्ट मुरथल में डिफरेंस क्या। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, हम फी स्ट्रक्चर से चलते हैं। फी स्ट्रक्चर से मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको क्लियर करूँगा दोस्तों। फी स्ट्रक्चर में जो दोस्तों फी है YMCA फरीदाबाद का थोड़ा ज़्यादा है डी क्रेस्ट मुरथल का। दोस्तों अप्रॉक्स 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस मिल जाएगा। YMCA का थोड़ा फी ज़्यादा है, डी क्रेस्ट मुरथल का फी थोड़ा कम है दोस्तों। तो अगर आप YMCA टारगेट करना चाहते हो तो आप फी थोड़ा ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम सेकेंड डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, हॉस्टल फैसिलिटी किसका सही है। दोस्तों अगर आप YMCA में एडमिशन लेते हो तो YMCA के अंदर सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। अगर आप लोकल बंदे हो, अगर आप NCR के दिल्ली के बंदे हो, तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हॉस्टल में इसके अंदर हॉस्टल के अंदर सीट लिमिट फिक्स रहता है। लेकिन दोस्तों आप डी क्रेस्ट मुरथल में जाते हो तो इसके अंदर हॉस्टल दोस्तों अनलिमिटेड है। अगर आप कॉलेज के बगल के लड़के हो, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी दे दिया जाता है। और दोस्तों हॉस्टल में दोनों कॉलेज का फैसिलिटी सबसे अच्छा डी क्रेस्ट मुरथल का है। YMCA का उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है हॉस्टल के अंदर, लेकिन अगर डी क्रेस्ट मुरथल में जाते हो दोस्तों तो आपको AC कूलर सब मिलेगा, ठीक है। अगर आप AC कूलर लेना चाहते हो, अगर आप फैसिलिटी अच्छा लेना चाहते हो, तो आप जरूर डी क्रेस्ट मुरथल के हॉस्टल में जाना और डी क्रेस्ट मुरथल में एडमिशन लेना, क्योंकि इसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटी, फूड का दोस्तों, ग्राउंड और साफ सफाई का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। डी क्रेस्ट मुरथल के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी सबसे अच्छा है। रूम फैसिलिटी, हॉस्टल, खाना पीना, ग्राउंड सब कुछ बेस्ट है। तो आप हॉस्टल के अंदर दोस्तों डी क्रेस्ट मुरथल को प्रेफर करना, क्योंकि YMCA से बहुत अच्छा है। YMCA के अंदर दोस्तों कंजेस्टेड है, पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपको अच्छे से खाना नहीं मिलता, ग्राउंड का लिमिटेड है, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट डिफरेंस बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर प्लेसमेंट का स्तर क्या है। हाँ दोस्तों, मेन बात आती है जैसे आप बीटेक में एडमिशन लेते हो तो मेन मुद्दा आती है कि प्लेसमेंट होना चाहिए। दोस्तों अगर YMCA में जाते हो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर आप डी क्रेस्ट मुरथल में एडमिशन लेते हो तभी भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बेस्ट प्लेसमेंट का बात करें तो हम लोग YMCA का बेस्ट प्लेसमेंट है डी क्रेस्ट मुरथल की अपेक्षा। लेकिन दोस्तों अगर आप सिविल में एडमिशन लेते हो, सिविल में, तब डी क्रेस्ट मुरथल का सिविल का प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा है कहीं अपेक्षा YMCA का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस दोनों कॉलेज में पढ़ाई कैसा होता है, मतलब स्टडी का माहौल क्या है, ठीक है। दोस्तों YMCA के अंदर थोड़ा अच्छा पढ़ाई होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। डी क्रेस्ट मुरथल से अच्छा YMCA के अंदर पढ़ाई होता है। और दोस्तों लैब का बात कर लेते हैं हम लोग, तो लैब दोस्तों इलेक्ट्रिकल, IT और दोस्तों एक ब्रांच और है कंप्यूटर, इसके अंदर दोस्तों YMCA का अच्छा लैब है। लेकिन दोस्तों सिविल हो गया, इसके अंदर आप सिविल के अंदर दोस्तों बात कर ले तो डी क्रेस्ट मुरथल के अंदर लैब अच्छा है। ओवरऑल दोस्तों बात करें तो हम लोग YMCA के अंदर लैब फैसिलिटी, पढ़ाई, ठीक है, प्रैक्टिकल YMCA के अंदर बेस्ट है डी क्रेस्ट मुरथल की अपेक्षा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टीचर फैकल्टी कैसा है, टीचर के बारे में। दोस्तों दोनों में टीचर वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। तो आप टीचर फैकल्टी दोनों में सही है, कोई कंप्रोमाइज़ इसमें नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यही 5-6 कॉम्पिटिशन था जो मैंने आपको बताया कि आपको YMCA लेना चाहिए या डी क्रेस्ट मुरथल लेना चाहिए। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, YMCA के अंदर दोस्तों प्लेसमेंट बहुत अच्छा है डी क्रेस्ट मुरथल से। हॉस्टल फैसिलिटी दोस्तों बहुत ही अच्छा है डी क्रेस्ट मुरथल का, YMCA का हॉस्टल फैसिलिटी कम है। और फी स्ट्रक्चर दोस्तों YMCA का फी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, डी क्रेस्ट मुरथल का फी कम है। दोस्तों टीचर फैकल्टी और स्टडी दोस्तों टीचर फैकल्टी दोनों में सेम है, और जो स्टडी का जो स्रोत होता है, मटेरियल होता है, वह डी क्रेस्ट मुरथल में थोड़ा कम है और YMCA में थोड़ा टीचिंग का और जो दोस्तों होता है वो थोड़ा ज़्यादा है। अब दोस्तों प्रैक्टिकल का बात कर ले, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल का, तो सिविल में
सिविल से अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपके लिए वेस्ट डीक्रस्ट मुड़ताला है, और आप अदर ब्रांच से लेना चाहते हो तो वाईएमसीए आप ले सकते हो, इसके अंदर अच्छा मिल जाएगा प्रैक्टिकल और क्लासेस। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, कोई क्वेरी नीचे कमेंट करना।